अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपको फुल हेयर्स को जो है वो कट डाउन करना बताऊँगी, ठीक है। डी कलर किस तरह से किया जाता है, तो सबसे पहले देख लें कि हमारे क्लाइंट के बाल ऑलरेडी जो हैं वो 7 लेवल के हैं, ठीक है। तो इन बालों को जो है हमें 2 लेवल ही लिफ्ट करना है, तो हम इसके लिए जो है 20 वॉल्यूम को यूज़ करेंगे। और मैंने पाउडर जो है इसमें ब्लीच पाउडर जो है वो अल्टीमेट पावर ब्लोन को जो है वो यूज़ कर रही हूँ। और आप देखें कि रूट्स में हमारे क्लाइंट के हेयर्स जो हैं वो ज़्यादा ब्लैक हैं, यानी कि इनकी न्यू ग्रोथ हुई है तो उसमें बाल जो हैं वो ज़्यादा ब्लैक हैं। तो 20 वॉल्यूम जो है, क्योंकि हमारे जो स्कैल्प के पास के बाल होते हैं उनको जो भी प्रोडक्ट हम अप्लाई करते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी कलर ट्यूब अपने अप्लाई करते हैं तो आपका रूट्स में जो है वो कलर बहुत जल्दी आ जाता है। उसकी यही रीज़न होती है कि स्कैल्प के पास प्रोडक्ट बहुत जल्दी से जो है वो काम कर रहा होता है। मुश्किल वहाँ आती है जब लेंथ पर जब बालों को कलर किया जाता है, तो लेंथ में जो है वो बालों को कलर आने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए हम एक ही 20 वॉल्यूम के साथ अल्टीमेट पावर ब्लोंड के साथ इनके पूरे बालों को जो है फुल हेड को जो है वो डी कलर करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप जो हम एक एक सेक्शन बनाएंगे और उसको जो है वो कट डाउन करेंगे। अच्छा, साथ ही मैं आप लोगों से ये भी शेयर कर लूँ कि इस वक्त हमारे पास जो क्लाइंट है और हमने इनके बालों को कट डाउन करना है, तो हमने 20 वॉल्यूम को यूज़ किया है, लेकिन यही पोजीशन अगर हम डेड ब्लैक बाल यानी कि 3-4 लेवल के बालों पर करेंगे तो हमें 30 वॉल्यूम की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि 20 वॉल्यूम से हमें भी हो सकता है कि आपके बाल जो हैं वो क्विकली जो है वो कट डाउन नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए हमें अगर बाल ब्लैक होगा तो उस सूरत में हमें एक अलहदा सा मेथड यूज़ करना होता है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि बालों के लेवल के मुताबिक, बालों के टेक्सचर के मुताबिक जो है हर बार हमें अपनी टेक्निक को जो है वो चेंज करना ही होता है। और हमें अपने माइंड से सोचना पड़ता है कि हमारे पास किस लेवल के बाल हैं और हमें कौन से डेवलपर के साथ जो है वो काम करना है। बाज़ूकात हमें ऐसे कलर की जो है वो ज़रूरत होती है कि जिसमें कट डाउन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, हम उस सूरत में भी बालों को कट डाउन कर देते हैं, जिससे बाल काफ़ी ज़्यादा जो है वो रफ हो जाते हैं। लेकिन अगर बालों को हाईलाइट करना है, यानी कि बहुत लाइट कलर की तरफ जाना है, हमारा बाल 6 लेवल का है, 7 लेवल का, और हमें 10 लेवल तक बालों को लिफ्ट करना है, तो उस सूरत में हमें थोड़ा सा कट डाउन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे बाल 3 लेवल के हैं और हमें उन्हें 10 लेवल की तरफ लेके जाना है, तो हमें उसे 2 बार कट डाउन करने की जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और दूसरा ये कि अभी क्योंकि हमारे क्लाइंट के हेयर जो हैं वो ऑलरेडी 7-8 लेवल के हैं, तो हमें जो है इसमें फॉइल लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आई है, ठीक है। क्योंकि कलर को हमने ब्लीच पाउडर को अप्लाई किया है, साथ ही हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, ठीक है। यानी कि 20 मिनट में हमें हमारे बालों ने जो है वो रिजल्ट दे दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बाल लिफ्ट हुए थे, पहले भी एक बार इनमें कट डाउन यूज हो चुका था, ठीक है। तो इस सूरत में you make me feel so-
तकरीबन हमें 20-30 मिनट जो है वो अप्लाई करने में लगे, और इतनी इतनी टाइमिंग में हमारा कलर जो है आप देखेंगे 10 लेवल तक आ चुका था। ठीक है, तो हम लोगों ने बालों को जो है वो वॉश कराया। वॉश कराने के बाद जो है बालों को ड्रायर के साथ अच्छे से जो है वो ड्राई किया, और अब हम इन पर टोनिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो टोनिंग के लिए जो हमने कलर सेलेक्ट किया है, हमारे पास 15-19 नंबर है, जिसे हम 10 वॉल्यूम डबल रेशो में यूज़ करेंगे, और इसकी जो रेशो होगी वो डबल होगी, यानी कि 10 वॉल्यूम को हमने डबल रेशो में इसमें जो है वो ऐड करना है, और उसकी हमने इसको इन बालों को जो है वो टोनिंग करना है। ठीक है, तो जिससे हम ये होगा कि हमारा कलर थोड़ा सा एश ग्रीन की साइड पे, क्योंकि 9 जो है वो थोड़ा सा ग्रीन का शेड भी इसमें ऐड होगा, तो ये हमारे बालों को थोड़ा सा एश ग्रीन का शेड देगा। और इसमें जो हमने 1 लेवल को मिक्स किया है, यानी कि 1 और 9 है, तो 1 लेवल जो है वो थोड़ा सा ब्लू शेड देता है, तो उसकी वजह से हमारे बालों में जो बहुत ज़्यादा येलो पिगमेंट नज़र आ रहा है वो भी बिल्कुल न्यूट्रलाइज जो है वो हो जाएगा, और बड़ा ही खूबसूरत कलर जो है वो आपके सामने होगा। बहुत सारे लोग हैं कि जो इस कलर को बहुत ज़्यादा जो है वो लाइक करते हैं। ये हमारे फेस कॉम्प्लेक्शन पर भी डिपेंड करता है, अगर हमारा फेस कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा लाइट हो तो उस पर हम इस तरह के कलर्स अगर करें तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लग रहे होते हैं। अगर हमारा कलर कॉम्बिनेशन, अगर कलर हमारा जो है वो डल है या डार्क है, तो उस सूरत में आप जो है वो इन कलर्स को जो है वो अवॉइड करें। आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको ये कलर अच्छा लगता है तो आप ऐसे कलर्स में, यानी कि ब्लोंड के कलर्स में जो है वो हाइलाइट्स जो है वो आप कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे। और प्रोडक्ट को अपने पूरे बालों पे लगाने के बाद हमें 20-25 मिनट का जो है वो वेट करना है, और उसके बाद हमें शैम्पू कंडीशनर जो है इसमें यूज़ करना है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमें शैम्पू और कंडीशनर ऐसा यूज़ करना है जो कि हमारे क्लाइंट के हेयर्स का पीएच लेवल, जो कि हमने ब्लीच करने के बाद जो है
बहुत ज़्यादा जो है वो यानी कि कम हो जाता है, तो उसे यानी कि हमारा बाल बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको PH4 शैम्पू एंड PH4 कंडीशनर की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। और उसके साथ ही आप इसको वॉश कराएं, कंडीशनर को आप 5-10 मिनट अपने बालों में जो है वो लगा रहने दें, ताकि हमारे क्यूटिकल को जो है वो क्लोज करने में हमारी हेल्प करे और हमारे बालों को एक्स्ट्रा शाइन दे, हमारे बालों को स्मूथ जो है वो लुक दें। क्योंकि ये कलर जो इतना लाइट कलर जब हम अपने हेयर्स पे करते हैं, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों को सूट करता है जिनके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा शाइनी और खूबसूरत हों, ठीक है। बहुत ज़्यादा डैमेज हेयर्स के ऊपर आप ये वाले कलर्स को जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि ये कलर जो है इतनी बालों में जो है वो एनर्जी होनी चाहिए कि वो उसको जो है वो बर्दाश्त यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल जो है वो उन्हें बर्दाश्त कर सके, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। और इसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि इंस्टाग्राम पर भी मेरा पेज है, उसको भी आप जो है फॉलो करें, क्योंकि मैं न्यू अपडेट्स हमेशा इंस्टाग्राम पर ही जो है वो देती हूँ। और इंस्टाग्राम पर भी मेरा जो पेज है वो लैशेस ब्यूटी सैलून ही के नाम से है, ठीक है। तो साथ ही जो है अभी देखिए हमें 20-25 मिनट का वेट देना है। आप इसको जो है वो शावर कैप के ज़रिए जो है वो ढांप भी सकते हैं, ताकि आपका रिज़ल्ट जो है वो क्विकली आपके हेयर्स के ऊपर जो है वो आपको मिले, ठीक है। तो अच्छे तरीके से सारी ब्लेंडिंग कर लें। Regret for losing the one who loved me for her.